अगर आपको कोई धोखा दे गया है, आपसे कोई ठगी कर गया है, आपके कोई पैसे नहीं लौटा रहा, आपको कोई ब्याज खा गया है, आपका हमेशा कोई यूज करता रहा और बाद में आपसे धोखा दे गया है, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो ग्रहों का खेल है। आपको कोई धोखा दे गया तो आपको खुश होना चाहिए कि जो धोखा दिया है वो इतना ही सीमित है, कहीं आगे बड़ा धोखा ना कोई दे, क्योंकि जो मुरली मनोहर जो आपका इष्ट है, जो आपका भगवान है, वो भगवान ने आपको उसकी सच्चाई दिखा दी। सोचो किसी ने आपसे 1-2 लाख रुपए उधार ले लिए, समय पे नहीं लौटाए, आपने उसके समय पे खूब कार्य किया, समय पे आपने उसकी व्यवस्था कर दी, आपने जो अपनी लोभ कर करके जो पैसे इकट्ठे किए उसका काम चला दिया, फिर भी कोई मनुष्य जब समय पे नहीं लौटाता तब कितना नीच और मूर्ख होगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ हैं, कि अभी तो 1-2 लाख दिए, भविष्य में 10-5 लाख रुपये देने की उसकी औकात नहीं है, वह उसको पता पड़ जाएगी। जितना है उतना ही लौटा ले, धीरे धीरे लौटा ले, दुखी ना हो, क्योंकि भगवान ने बता दिया कि मेरे सिवाय कोई विश्वास करने के योग्य नहीं है। और आपको कोई धोखा दे गया है, आपका अपना कोई मित्र है, उससे बिगड़ गई है किसी लेने देने के चक्कर में, तो दुखी नहीं होना है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास है, परब्रह्म तुम्हारे पास में, होशी का भजन करो। ये दुनिया तो ऐसी ही है, धोखेबाज है ये मृत्यु लोक है। श्याम मनुष्य के हृदय में छल कपट ईर्षा जलन द्वेष हमेशा रहता है। बाहर से तो मनुष्य चिकड़ी चुपड़ी बातें करता है, आपको अपने बस में करने के लिए मनुष्य चिकनी चुपड़ी बातें करता है। जिस तरह एक सर्प को नचाने के लिए सपेरे एक अपनी धुन बजाता है, उल्लू बनाने के लिए फिर उसको दिखा के उसका यूज करता है, इसी तरह ये कलयुगी मनुष्य बड़े लोभी लालची होते हैं। कपट रूपी मनुष्य को पहचाना सीखो। कई मनुष्य लोगों को, दूसरों को झूठी तारीफ करती हैं, पीछे वही बुराई करती हैं, तो दुखी नहीं होना, क्योंकि आज का मनुष्य कलयुग के बस में है। मनुष्य खुद अपने आप को अपने से दूर करता जा रहा है, उसकी गंदी आदतें मनुष्य की सबके मन में उसको गिरा रही है। तो मेरे देशवासियों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, माता बहनों, आपको दुखी नहीं होना है, और इतना किसी पर विश्वास नहीं होना, इतना किसी पर विश्वास नहीं करना कि अपना जीवन ही उसके लिए बिगाड़ लो, ऐसा किसी के लिए मत करना। यह जीवन हाड़ मास का जो शरीर, यह भी बड़ा अनमोल है। उन माता पिताओं को पूछो जिसके एक ही पुत्र है, उसका पुत्र अगर चिंता में हो, माता पिता को पता पड़ जाए, तो उसकी चिंता को दूर करने के लिए माता पिता कैलाश पर्वत तक चढ़ जाएंगे। किसी के बच्चे को चिंता, उसके माता पिता को पड़ जाए, मल्लिकार्जुन पर्वत तक पहुँच जाएंगे। किसी को पता पड़ जाए कि मेरे बच्चे बच्चियाँ चिंता में हैं, तो उसके माता पिता गंगा सागर तक परिक्रमा कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, चिंता और चिता में एक बिंदु का अंतर है। चिता में एक बिंदु लगा दो तो चिंता बन जाती है, यानी चिंता ज़्यादा करने से चिता तक पहुँचा देती है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। वो परब्रह्म मुरली मनोहर जिनके माथे पे मोर मुकुट धारण है, जो स्वर्ण पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए हैं, उस मुकुट में कई मढ़िया लगी हुई हैं, मोर पंख लगा हुआ है, वैजयंती माला जिनके गले में सुशोभित हो रही है, जो गेंदे गुलाब की पुष्पों से जिनके गले में पुष्पहार और कई मढ़ियाँ सुशोभित हो रही हैं, जो प्रभु कमल नयन हैं पीताम्बर धारण किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर श्याम सरोवर जो उनका रूप है, अति कोमल जिनके हाथ और कोमल जिनके पैर हैं, मखमली सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन पर जो बैठे हैं, जिन पर मखमली गद्दियाँ लगी हुई हैं, उन
प्रभु श्री वासुदेव जी का ध्यान करें, जो राधा जी के स्वामी हैं, रुक्मणी जी के पति हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उस कुंठ की आप मन ही मन वंदना करें कि हे कृष्ण, ये जगत तो लालची है, यह जगत तो ठगी है, यह जगत बड़ा मतलबी है। इस कलयुग में इस जगत ने इतने कष्ट दिए हैं कि तरह तरह के रोग उभर आते हैं। दुख वाला भी ये रोग है, किसी को प्रेम रोग है, किसी को दोस्ती का रोग है, किसी का मन नहीं लगता है, कोई दूसरे पर विश्वास करता है। इन सबसे हमको दूर करके प्रभु अपने चरणों में स्थान दें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भजन। समस्त देहिक ताप, भौतिक ताप दूर करने वाले हे कृष्ण, हम पर दया करें। जिस प्रकार आपने अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन को पांडवों की नैया पाल लगा दी, हे प्रभु मेरी नाव के विखे भैया आप ही बन जाओ, हम आपकी शरण में हैं, हम पर दया करें। हे राधा वल्लभ, हे बाके बिहारी, हे मुरली मनोहर, हे मेरे कृष्ण, हमारे समस्त आदि व्याधि रोग दुख कलेश दूर करें और हमको अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करें। हम आपकी शरण में हैं, आपका नाम लेने में, सदुच्चारण में, विधि विधान में, मन से, वचन से, कर्म से, माता पिता से, बच्चों से, अगर हमसे कोई गलती हो, मेरे भाइयों से कोई गलती हो, उसको क्षमा करना। हम सबको अपनी भक्ति प्रदान करें, ज्ञान विज्ञान प्रदान करें और दाल रोटी चलाने के लिए हमारे रोजगार चल रहे हैं उनको बनाए रखें, क्योंकि कलयुग में कोई किसी को आपके सेवा नहीं दे सकता है। आप क्या दिया ही, जो रोजगार है, जो भी धन एकत्रित करने का जिससे घर परिवार चल सके, वो सब आपका ही सहारा है, आपकी ही माया में प्रभु, बस आपको इतना ही निवेदन करते हैं कि कभी दुखी ना करें। इस प्रकार उस मुरली मनोहर को सुमिरन करके उसी पर भरोसा करते चले। यह जगत मिथ्या है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जिसको तुम सोचते हो या अपना है वो अपना होता नहीं, और जिसको नहीं सोचते अपने घर वाले माता पिता भाई को, वही अपना होता है। कई स्त्रियां हैं अपने पतियों को सोचती हैं, ये तो बेकार है, अन्य पतियों और बाहर के फ्रॉड लोगों से संपर्क बना लेती उनकी बातों में आके, फिर जब उनकी पोल खुलती है ना, बड़ी दुखी होती है। ये जगत के लोग हैं मंदारी की तरह बेवकूफ स्त्रियों को इस्तेमाल करते हैं, तो तुमको भी बंदरियों की तरह उनके जाल में नहीं फंसना है। प्यारी देश की भटकी हुई नौजवानों, आपको समझना है, सबसे बड़ा मदारी वो कृष्ण है, उसकी इच्छा से जो हुआ वो हुआ, अब आगे के लिए सुधर जाओ, उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाओ। अरे मदारी ही बनना है तो मुरली मनोहर के मदारी बनो, वो आपके नैया पाल लगा देगा। जय श्री कृष्ण। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और किसी के भरोसे ना रहें, जगतपति कृष्ण के भरोसे रहें, आपकी नैया पार हो जाइए। राधे कृष्ण गोपिका वल्लभाय नमः। जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखें, उनकी मनोकामना सुन लें प्रभु। राधे राधे, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।